सही भाई क्रांतिकारी जय भीम। और आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी ये वीडियो मैंने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये विकास सर का वीडियो है, बहुत ही अच्छा है। और जो लोग मतलब बुद्ध भगवान को नहीं जानते वे उनके लिए वीडियो है स्पेशली है, तो कमेंट जो करते हैं तो उनको मैं इतना कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, पर उन लोगों को ये बता दूँ कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को देखना। अदरवाइज आपको कोई गलत लग रहा है कमेंट में तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या विकास सर गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं। तो गाइस आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहता है और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए और अंधविश्वास आप दूर रहो, ठीक है। मेरे जितने भी वीडियो लोग देखते हैं कुछ लोग कमेंट करते हैं गाली देते हैं तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहावत है मेरे बिहार में कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, ठीक है। तो वही हाल होता है बहुत लोग मेरे साथ, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कमेंट करते हो तो आप एक बार सोच लेना फिर मुझे गाली देना, ठीक है। तो देखना वीडियो का अंत तक, और टाइम अभी मिला है मुझे तो अभी मैं फिलहाल में वीडियो ये वाला डाल रहा हूँ, अब इसके बाद मैं और कंटिन्यू रहूँगा, तो वीडियो का अंत तक पूरा देखना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कभी कभी होती है मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ एक बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश ये शोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता, मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे, उनकी कुंडली देखे ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त ना हो, अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसे शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफ़ी एग्जाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्जाम में पास हुए तब जाकर शादी हुई, ऐसे नहीं हुई, शादी हुई। तो बुद्ध में ठीक था, रमे रहे उस जीवन में, बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा, विरक्त हो गए और उनका मन हुआ घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है, अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है, बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं, तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैत्री शरणगुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ना है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका। उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए, वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला, 6 साल की तपस्या के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्म चक्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास, कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहां भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने
बुद्ध के बचपन के एक दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूँ तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी के आगे तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिल वस्तु, जो अपना इलाका था, वहां पहुंचे। पूरे कपिल वस्तु में, नेपाल सिद्धार्थ नगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पर कपिल वस्तु है, मैं देखने गया था वो जगह जहां बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखिएगा। भी तो बुद्ध पहुंचे रात को, एक धर्मशाला में रुके। अब वहां हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बनकर नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बन के आया हूं। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहा है। फिर बुद्ध ने सूचना भेजवाई कि मैं बुद्ध हूं, बेटा हूं संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होकर आया हूं, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूं अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने, पिता से मिले, सबसे मिले, भरी सभा में, लेकिन यशोधरा नहीं आई मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, उसके मन में दर्द था, छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है, मैं क्यों मिलने जाऊंगी। तो बुद्ध मिलने गए, सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में, अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं, अब आपके मन में रहे कि बुद्ध वहां जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी, बुद्ध है वो बुद्ध, वहां जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताया गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम महान काम कर रहे हो, और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों बीच में आऊंगी भाई, मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं, बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती।